तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश राय और आप देख रहे हो परवेश टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि हमारे फ़ोन बहुत गर्म हो जाते हैं, और आप लोग में से बहुत दोस्तों ने कमेंट किया कि भाई हमारे फ़ोन बहुत गर्म हो जाते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकाले। तो आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलाने से मोबाइल को, नेट चलाते हैं मोबाइल में और कुछ कुछ चलाते हैं, गेम खेलते हैं, तो आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और ये प्रॉब्लम होती है कि गर्म हो जाती है तो डर होता है कि ब्लास्ट ना हो जाए, इसके कारण हमने यही देखते हुए ये वीडियो आज खास आपके लिए बनाया है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको ये हीट जो होता है मोबाइल, वो सीपीयू को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका अप टू डेट, आपका सिस्टम अप टू डेट है या नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा सिस्टम अप टू डेट नहीं है। तो इसके बाद मैं इसको अप टू डेट करने के लिए सिंपली से दोस्तों यहाँ पर चेक फॉर अप टू डेट पर क्लिक करना है। उसके बाद रिटायर वाईफाई में बोल रहा है, तो हमें नेट खोल करके इसको हमें अप टू डेट मार लेना है, जिससे हमारे फ़ोन हीट ना हो, मतलब गर्म ना हो। ये कर लेंगे तो आपके फ़ोन बिल्कुल हीट नहीं होगी। और अगर ये भी करने के बाद आपके फ़ोन हीट होती है तो दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करना है दोस्तों, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद हमको जाना है स्टोरेज, यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इस यहाँ पर जाना है आपको दोस्तों। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लीनर शो कर रहा होगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये क्लीन हो रही है, यहाँ की जितने भी डाटा है उसको क्लीन कर देनी है दोस्तों। क्लीन कर देंगी तो थोड़ी सी भी हमारी मोबाइल ठंडी हो सकती है, कूल हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लीन चलिए कर दिए। इसके बाद मान लीजिए कि यह करने पर भी आपका फ़ोन कूल, मतलब कि ठंडा नहीं होती, गर्म की गर्म ही रह जाती है, उसके बाद सिंपली से हमको कट कर देनी है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जानी है और एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है दोस्तों। ये ऐप का नाम है बूस्टर फॉर एंड्रॉयड, ये MI की तरफ से लॉन्च हुई है, नई ऐप है। तो उसको सिंपली से इंस्टॉल कर लीजिएगा आप प्ले स्टोर पर सर्च करके बूस्टर फॉर एंड्रॉयड। तो सिंपली से इसको हम ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर इसको यूज करना है और कैसे हमको इसमें से काम करके अपना मोबाइल को ठंडी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा और यहाँ पर बोलेगा यस या नो, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वर्जन शो कर रही है, सिंपल सा हमें ऊपर से नोटिफिकेशन जो शो करता है उसे से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिव दियर मोटिवेशन इनेबल, तो इसको डिसेबल नहीं करना है, इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करना है, उसके बाद देख सकते हैं क्लिक कर दिए हम, क्लिक कर दिए, थोड़ा लोडिंग लेता है ये दोस्तों। आपकी दोस्तों कोई भी फ़ोन हो, Redmi 6A, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, कोई भी हो, ये काम करता है दोस्तों सब फ़ोन में, हर एक फ़ोन में ये काम करती है दोस्तों, ये वर्किंग ट्रिक है। तो दोस्तों मैं ये हर एक मोबाइल में ये काम करके देख चुका हूँ कि ये काम करती है या नहीं, तो ही मैं आप लोगों के लिए ये ट्रिक को लाया हूँ। यह लोडिंग ज़रूर लेती है लेकिन ये काम ज़रूर करती है दोस्तों। तो नहीं होती है तो सिंपली सा फिर से कट करना है, उसके बाद ओपन करना है दोस्तों हमको। ओपन करने के बाद लोडिंग नहीं लेती है तो दोस्तों कट करना है, उसके बाद डाट क्लियर करने के बाद फिर से हमको, तो उसके बाद स्क्रॉलिंग है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं एंड्रॉयड, इस पर हमको क्लिक कर देनी है दोस्तों। क्लिक जैसे हम कर देंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ चुका है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्टिमाइज दिख रहा है इस पर हमको क्लिक करना है और ये क्लीन कर देना है। क्लीन होने देते बाद क्लीन हो चुकी, उसके बाद यहाँ पर देखिए बैटरी जैसा कुछ शो कर रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर अपना बैटरी को जितना नॉर्मल मोड, अल्ट्रा मोड या एक्सटर्नमी मोड में जो भी सेट करना चाहते हैं यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते सीपीयू जैसा शो कर रहा है, यही हमको मोबाइल ठंडा करने के लिए यहीं पर हमको क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभी 32.0 सेल्सियस पर मेरा गर्म ओवरटेड हो गया है। तो इसको कूल डाउन करने के लिए कूल डाउन पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कूल डाउन हो रही है, देख सकते हैं ये कूल डाउन हो रही है। उसके बाद देख सकते हैं कूल डाउन हो गई, ये 25.3 सेल्सियस पर चले गई और ये कूल हो गई है आपके सामने। अभी मैं अपने मोबाइल को टच कर रहा हूँ तो ये पूरा कूल है, पूरा ठंडी है। तुरंत तो ठंडी नहीं हो जाती है, वैसे आपका खोल मतलब कवर लगाए हैं मोबाइल में कोई तो उसको भी खोल दीजिए, क्योंकि उससे भी थोड़ी गर्म होती है। और ज़्यादातर धूप में मोबाइल को ना रखिए, ये भी आपसे एक विनती है। उसके बाद यहाँ पर क्लीन, इसको भी क्लीन कर देनी है। उसके बाद दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे तो आपका दोस्त का भी अगर फ़ोन गर्म होता होगा तो ये वीडियो देख करके वो भी अपना मोबाइल को ठंडा मतलब कि कूल कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।